अपना नहीं, जैसे कि नाजन हम आपको हमेशा की तरह अच्छी अच्छी वीडियो दिखाते आ रहे हैं। इसी तरीके से आज हम आपको जूते बॉक्स के बारे में बताएंगे। इससे पहले जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको शेयर करें। आज की वीडियो शुरू करके आज हम बताएंगे कुछ जूते बॉक्स के बारे में। इस तरीके से आज मुख्तलिफ शेप में मुख्तलिफ साइज में जूते बॉक्स आए हुए हैं, एज अ कबर्ड्स हो गए, एज अ ड्राजेस हो गए, मुख्तलिफ शेप में जूते बॉक्स हैं। तो देखिए इस तरीके से जूते बॉक्स के अंदर प्रॉपर बॉडी में जूते बॉक्स बनाया हुआ है। इस तरीके से ये देखें प्रॉपर ऐसा कबर्ड बनाई हुई है। इस तरीके से यहाँ आप कुछ भी हैंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ आप रिंग्स वगैरह नेकलेस वगैरह रख सकते हैं। ये देखें प्रॉपर जूते बॉक्स कबर्ड की तरह बनाई हुई, कहीं भी आप इसको हैंग भी कर सकते हैं, वॉल हैंगिंग हो गया, कहीं भी हैंग कर सकते हैं, कहीं भी ऐसा साइड टेबल पे रख सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी भी है, बिल्कुल इसी तरीके से ये ओपन होगी यहाँ से। इस तरीके से कुछ भी आप रख सकते हैं, ऐसा नेकलेस हो गया, इयर रिंग्स, तरीके से आप कहीं भी इसको भी हैंग कर सकते हैं, किसी तरीके से कहीं भी एज अ वॉल हैंगिंग के लिए कहीं साइड टेबल पे रख सकते हैं आप। इसी तरीके से हमारे पास ये ग्लासेस हैं, कबर्ड्स, इसी तरीके से ये भी ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, तो प्रॉपर वुडिंग में बनाए हुए हैं, जहाँ मर्जी आप रखें इसे। एज अ नाइस गुड लुकिंग है, एज अ तकरीबन 10-12 साल की बच्ची के एज अ गिफ्ट के लिए मच बेटर चीज़ है, एज अ वेडिंग गिफ्ट के लिए मच बेटर चीज़ है। इसी तरीके से हमारे पास इस शेप में एज अ प्रॉपर हाउस शेप में दिया हुआ है, प्रॉपर यहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह का। इस तरीके से ये भी ज्वेलरी बॉक्सेस है, प्रॉपर इसमें स्पेस दिए हुए है कुछ सामान रखने के लिए। इस तरीके से क्लोज होगा, स्मॉल साइज के अंदर मौजूद है, स्मॉल साइज में वो उस तरीके से बड़े साइज में दे सकते, स्मॉल साइज में आगे प्रॉपर वुड में बनाए हुए हैं ये, ऐसे गिफ्ट के लिए मच बेटर चीज़ है। सेपरेट बना आ गया, तो नाइस गुड लुकिंग है, नाइस शेप है इसकी, वुडिंग में बनाया हुआ है प्रॉपर। ये द्राजेस दिए हुए हैं इस तरीके से, यहाँ आप कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो प्रॉपर वुड में है ये। इसी तरीके से हमारे पास ये चीज़ है, इसमें मुख्तलिफ फ्लावर्स दिए हुए हैं, फ्लावर्स जैसे डिज़ाइनिंग की हुई है इस तरीके से, ये भी उसी तरीके से होगा। इस तरीके से प्रॉपर हमें आपको शो हो रहा होगा, प्रॉपर तमाम वैरायटीज ज्वेलरी बॉक्सेस की आपके सामने शो हो रही है, वुडिंग में है सब ये। और इसी तरीके से हम प्लास्टिक के बारे में बताएंगे भी आपको, स्टार्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास हेलो किटी वाले जो भी बॉक्सेस हैं, ये देखिए इसमें अगर डॉल शेप है, इसमें म्यूजिक होगा, मुख्तलिफ ड्राजेस हैं इसके अंदर, ऐसा यह है नेकलेस हैंग करने के लिए ऊपर उन्होंने स्पेस दी हुई है, यहाँ पे इयर रिंग्स वो चीज़ भी आप रख सकते हैं। इसी तरीके से हमारा बुक शेप के अंदर है, ये देखिए प्रॉपर बुक शेप के अंदर बनाया हुआ है ज्वेलरी बॉक्स को, ये देखें और नाइस गुड लुकिंग है। इस तरीके से मुख्तलिफ साइज हैं, इसके मुख्तलिफ शेप्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास बच्चियों के लिहाज से, छोटी बच्चियों के लिहाज से लाइटिंग है, लैंप, इस तरीके से लैंप भी दिया हुआ है और ज्वेलरी बॉक्स भी है, ये देखें।
इसी तरीके से हमारे शेप में ये चीज़ है, इसमें भी लाइट्स हैं और ज्वेलरी बॉक्स प्रॉपर बनाया हुआ उन्होंने। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। इसी तरीके से बच्चे के लिहाज से जब म्यूजिक वाले ज्वेलरी बॉक्स है, इसके नीचे डॉल डांस करेगी, इसके नीचे ये प्रॉपर चाबी दी हुई है उन्होंने, इसको आप मूव करेंगे देखिए प्रॉपर डॉल डांस करेगी। इसी तरीके से ये राउंड कर रही है और ऐसा पियानो की शेप, जैसे वायलिन होता है उसकी प्रॉपर शेप दी हुई है। ये देखिए और गुड लुकिंग है ऐसा गिफ्ट के लिए। इसी तरीके से हमारे पास सोफे वगैरह हैं, ये भी ज्वेलरी बॉक्सेस के अंदर है, ये स्टफ में आ गए हैं। हमने वुडिंग में भी दिखा दिया आपको, प्लास्टिक में भी दिखा दिए, स्टफ में भी स्टफ में शो कर रहे हैं हम आपको। इस तरीके से ये देखिए, उम्मीद करते हैं नाजी इस तरीके से हमारे आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली एक नई वीडियो से हम हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।